Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about compounds and mixture. Now we are going to study about uses of compound and mixture. Firstly, we will discuss about uses of compound. There are many compounds all around us and we use them in our daily life. For example, water. Water is a compound which is formed by the combination of hydrogen and oxygen gases. We use water in homes, in agriculture, in industries for various purposes. Our body is mainly composed of water, and without water, life is impossible. The next example of compound is carbon dioxide. Carbon dioxide is a combination of carbon and oxygen. And we know that plants use carbon dioxide to make food, and then all living organisms use this food made by plants. Carbon dioxide is also used to manufacture different types of fertilizers like urea, and it is also filled in soda bottles. The next compound is sodium chloride. Sodium chloride is a combination of sodium and chlorine. It is also known as table salt, the salt which we use at our home. People use this salt to preserve fish and pickles. We add it to our food to make it salty. And it is also used to manufacture caustic soda and washing soda. तो स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे कंपाउंड्स और मिक्सचर मौजूद होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले है वाटर। वाटर जो है वो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के कीमियाई मिलाप से बनता है। वाटर जो है इसको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, अपने घरों में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो भी वाटर होता है। अगर अर्थ पर पानी मौजूद नहीं होगा तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी, इसलिए पानी जो है उसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के कीमियाई मिलाप से मिलकर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल करते हैं। फिर इस खुराक को बाकी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसे सोडा वाटर बोतलों में भी फिल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के कीमियाई मिलाप से मिलकर बनता है। सोडियम क्लोराइड को खुरदनी नमक या फिर टेबल सॉल्ट कहा जाता है। लोग इसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फिश या अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपनी फूड को सॉल्टी बनाने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं और इसको मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स जैसे कास्टिंग सोडा और वॉशिंग सोडा वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ मिक्सचर। We know that mixture is a combination of two or more substances. They are mixed in such a way that no chemical change takes place. We can take many examples of mixture from our daily life. For example, sherbet. We know that sherbet is a mixture of sugar, water, table salt and lemon, etc. Similarly, salad is a mixture of different fruits and vegetables. Ice cream is a combination of milk, sugar and flavors. Milk is a combination of water, fats, proteins and carbohydrates. And another example is tincture of iodine. It is a germicide and it is applied on a cut to kill the germs. It is a combination of iodine and alcohol. और हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया इस तरीके से मिक्स हों कि उनमें कोई कीमियाई तब्दीली ना आए तो इसे मिक्सचर कहा जाता है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल शरबत। शरबत जो है हमें पता है चीनी, पानी, सॉल्ट और लेमन वगैरह का मिक्सचर होता है। अब इन चीज़ों के मिलने से कोई केमिकल चेंज नहीं आता तो इस वजह से शरबत को हम मिक्सचर कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो सलाद होता है वो मुख्तलिफ सब्ज़ियों का मिक्सचर होता है जैसे प्याज, गाजर, चकंदर, खीरा, टमाटर वगैरह का।
और इन चीज़ों के मिलने से भी कोई केमिकल चेंज नहीं आती, इस वजह से सलाद को भी मिक्सचर कहा जाता है। आइसक्रीम जो है वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि आइसक्रीम दूध, चीनी और मुख्तलिफ फ्लेवर से मिलकर बनती है, तो इस वजह से आइसक्रीम को भी हम मिक्सचर कहेंगे। नेक्स्ट जो हम मिक्सचर की एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो है दूध यानी मिल्क। जो दूध है वो भी पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के मिलने से बनता है, और इनके मिलने से कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आती, तो जो दूध है उसको भी हम मिक्सचर कहेंगे। क्योंकि हमें पता है जब कोई कंपाउंड बनता है तो केमिकल चेंज आती है, लेकिन मिक्सचर के बनने के अमल के दौरान कोई कीमियाई तब्दीली वाकिया नहीं होती, तो इस वजह से दूध जो है उसको हम मिक्सचर में कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ये एक जर्मिसाइड है, यानी इसको जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ये आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। So students, today we have discussed about uses of compounds and mixture. Here the question is, what are uses of compounds? You will write the answer of this question in points. The first point is, water is used in homes, in industries, in agriculture. Without water, life is impossible. The next point is about carbon dioxide. Carbon dioxide is a compound of carbon and oxygen. Plants use it to make food. It is used to manufacture urea and the bread. It is also filled in soda bottles. The next point is about sodium chloride. Sodium chloride is commonly known as table salt. It is the compound of sodium and chlorine elements. People use it to preserve fish and pickle. We add it to our food to make it salty. It is also used to manufacture caustic soda and washing soda. The next question is, describe some uses of mixture. The first use is about sherbet. Sherbet is a mixture of sugar, water, table salt and lemon, etc. We use it in hot summer days. The second point is, salad is a mixture of different vegetables as onion, carrot, radish, beet, cucumber, tomato and cabbage, etc. Ice cream is a mixture of milk, sugar and flavors. Milk is also a mixture of water, fats, proteins and carbohydrates. Tincture of iodine is a mixture of iodine and alcohol. We apply it on a cut to kill the germs. So students, आज के लेसन में हमने कंपाउंड और मिक्सचर के इस्तेमालात को डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे पास जो पहला सवाल है वो है, कंपाउंड के इस्तेमालात बयान करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पॉइंट्स के फॉर्म में करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, पानी घरों, संतों और जरूरत भी इस्तेमाल होता है। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। सेकेंड पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है। पौधे इसे खुराक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसे यूरिया और डबल रोटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे सोडा बोतलों में भी भरा जाता है। थर्ड पॉइंट है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को खुरदनी नमक यानी टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। ये सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स का कंपाउंड है। लोग इसे मछली और अचार को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी खुराक को नमकीन बनाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ये कास्टिक सोडा और धोबी सोडा यानी जो वॉशिंग सोडा है उसकी तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिक्सचर के इस्तेमालात बयान करें। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, शरबत चीनी पानी और खुदनी नमक और नींबू वगैरह का मिक्सचर है। हम इसे मौसम गर्मा के गर्म दिनों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सलाद मुख्तलिफ सब्जियों मसलन प्याज, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, टमाटर और बंद गोभी वगैरह का मिक्सचर है। आइसक्रीम जो है वो दूध, चीनी और फ्लेवर का मिक्सचर होती है। दूध जो है वो चिकनाई, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर है, और हम इसे जरासीम को हलाक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करवाए गए हैं, क्वेश्चंस बताए गए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।